अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज की दुकान। तो यार ये इन्फिनिक्स हॉट 12 है, इसका रिव्यू देना था। तकरीबन 4-5 दिन हो गए यूज़ करते हुए या 3 दिन हो गए। तो पहले तो मैं आपको इसकी बॉडी वगैरह दिखाता हूँ कि किस तरह का लुक है इसका। ये साइड पे फिंगरप्रिंट है और बटन का ऑप्शन है, और सी टाइप इसकी जो है वो केबल होती है। नीचे हैंड फ्री जो है वो है, और एक स्पीकर माइक जैसा कि हर मोबाइल में होता है। और यहाँ पर इसका सिम का ऑप्शन है साइड पर। बाकी कैमरे पे आ जाएं तो 4 कैमरे हैं इसके अंदर, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन सारी जो है इसकी बॉक्स पे भी लिखी हुई थी, कैमरे की डिटेल्स वगैरह सारी, वो मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ कि इसकी क्या है। अभी तक जो है मेरा इस पर ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड रहा है। बाकी पबजी वगैरह भी चेक करी है इस पर मैंने, कैमरे का रिज़ल्ट है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये डिवाइस नेम इसका आ गया हॉट 12, और मॉडल नंबर लिखा हुआ है एंड्रॉयड वर्जन 12 है। CPU G85, रियर कैमरा 30 मेगापिक्सल ट्रिपल है, और फ्रंट कैमरा जो इसका सेल्फी कैमरा जिसे कहते हैं वो 8 मेगापिक्सल है। रैम इसकी जो है 6+3 दी हुई है, यहाँ पे बॉक्स पे आपको मिलेगी 6+5। बेसिकली ये जो है फ्री फायर वालों की जो है कोलेब्रेशन उनके साथ हुई है इन्फिनिक्स की। तो ये एक ऐसा गेमिंग फ़ोन जो है लॉन्च हुआ है, इसकी वजह से इसके साथ एक्सटेंडेड रैम दी हुई है इन्होंने 6+3 की। तो बाकी यहाँ पे बैठ इसका एक ऑप्शन है थेफ्ट अलर्ट का। इन मतलब इसका सीन ये होता है कि आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा के अगर इनके इस रात को सोते हैं और कोई मोबाइल आपका चार्जिंग से उतारेगा, तो उस टाइम जो है मोबाइल रिंग होना शुरू हो जाएगा, और ये रिंग तब तक जो है ना इसकी बंद नहीं होती जब तक आप फिंगरप्रिंट ना लगाएं। तो ये इसका बैक कैमरा, अब आपको मैं खोल के दिखाया। ये फ्लैश वगैरह ऑन करा, सही है। फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं कि किस तरह की है, कितनी तेज़ है। और इसका जो लुक है बैक साइड से फुल जो है ग्लास है, और बहुत ही प्यारा, मतलब वाइट जो है ना एक समझ लें कि मलाई। ये इसका फ्रंट है, बाकी आपको बैक है। फ्रंट कैमरा भी आपको दिखाता हूँ मैं इसका ऑन करके, मतलब इसके ऑन करके रिज़ल्ट क्या दिखेगा यहाँ पे। बस बेसिकली ऑन करने का मकसद ये था, मैं आपको इसका फ्रंट फ्लैश भी दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। बाकी मेरे फेस को और बालों को इग्नोर करवाना, ठीक है। वीडियो के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। तो ये देखें इसका, ये फ्रंट कैमरा ऑन किया, अभी फ्लैश ऑन करके इसका आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसका फ्रंट फ्लैश है, 2 लाइटें दी हुई हैं। इसको आप टॉर्च के लिए फ्रंट से यूज़ करो, बैक से यूज़ करो, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिज़ल्ट वगैरह जो है अच्छा है इसका। बैक कैमरे से मैंने एक पिक्चर ली थी इसमें, तो वो भी आप लोगों को खोल के दिखा दूंगा। बाकी ये इसके अंदर ऑप्शन है शॉर्ट वीडियो का, वीडियो का, ब्यूटी कैम, पोर्ट्रेट भी दिया हुआ है इन्होंने। उसके अलावा AR शॉट है कोई इस तरह का। पोर्ट्रेट का रिज़ल्ट देखा है मैंने, अच्छा है पोर्ट्रेट, लेकिन वो फिर बात आ जाती है जब iPhone 7 Plus या 8 Plus का जो पोर्ट्रेट है ना उसका कंपटीशन नहीं है, एंड्रॉयड फिर एंड्रॉयड ही है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको इसमें अपनी पिक्चर दिखाता हूँ ऑन करके गैलरी के अंदर, जो क्या कहते हैं एक बैक कैमरे से लिए ये पिक्चर है। रिज़ल्ट आप देखें, कलर स्पेसिफिकेशन किस तरह की है, बहुत ही आला सीन है। वैसे मेरे को पिक्चर लगानी चाहिए थी, तो खैर इस तरह देख ली। बाकी अब इसमें ऑन करते हैं पबजी, क्योंकि अब गेमिंग फ़ोन है तो फिर ज़रा पबजी की भी जो है क्या कहते हैं चेक कर लें परफॉर्मेंस। फ्री फायर खेला है मैंने, वो अच्छा चल रहा है फ्री फायर। इसमें एपेक्स लेजेंड मैंने ट्राई किया था, वो भी सही चल रहा था, लेकिन गेम वो जो है ना मतलब का नहीं है। मतलब एक जो पबजी प्लेयर है वो एपेक्स लेजेंड मुझे नहीं लगता, जहाँ तक कि मेरा 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पबजी का, तो मुझे नहीं लगता कि पबजी प्लेयर जो है एपेक्स पे मूव करेगा। हाँ, फ्री फायर वाले चांस है, फ्री फायर की काफ़ी जो है पब्लिक जा सकती है एपेक्स लेजेंड्स की तरफ, क्योंकि फ्री फायर से जो है ना उसके ग्राफिक्स वगैरह जो उसका मतलब फायरिंग मोड वगैरह जो उसके अपने मोड्स हैं, व्यू है अच्छा है काफ़ी हद तक के, बहुत अच्छा है। तो ये अभी पबजी ऑन हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका चेक करते हैं, इसको ग्राफिक्स वगैरह भी देखते हैं कहाँ तक के सपोर्ट करता ही है, और क्या किस तरह का गेम में सीन वगैरह इसका चलता है। तो ये ग्राफिक पे स्मूथ पे जो है अल्ट्रा तक जा रहा है, ठीक है। HD पे ये जो है अल्ट्रा पे नहीं जा रहा, आप चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। इसलिए ये भी ग्राफिक्स ये भी दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको दिखे, बताने को तो वैसे भी बता देता मैं, वो इशू नहीं था, लेकिन इस तरह देखना बेहतर है ताकि आपके सामने। अब ये अरीना मोड जो है, अरीना लगा के देख
सॉरी यार, ये खांसी हो रही है, तबीयत थोड़ी आउट थी, बस क्या करें, वॉइस ओवर भी करनी थी वीडियो पे, तो ये ज़रा इग्नोर करवाना इसको, बाकी दुआ करना कि तबीयत सेट हो जाए जल्दी। साउंड वगैरह देखा, साउंड सही है मोबाइल का, कैमरे का रिज़ल्ट भी गुड है, 25,500 के अंदर जो है ना, मतलब अगर आप गेमिंग एक्सपीरियंस पबजी का हटा के देखें तो मैं बोलता हूँ कि इसके जो है ना कोई भी मतलब इसको जो है ना कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, मतलब इसके कॉम्पिटिशन जो है ना 25,500 में कोई और मोबाइल नहीं, इतना अच्छा नहीं चलेगा जितना बेहतर ये है। ठीक है, इसका जायरो वगैरह भी चेक करा है मैंने सेटिंग, जायरो से याद आया यार, एडीएस के लिए सही है, एडीएस मतलब जो नॉन जायरो प्लेयर है ना उनके लिए बहुत बेहतरीन है जायरो वगैरह, मैंने जो यूज़ करके देखा है तो मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था जायरो में इसका। ये भी मे भी ये भी हो सकता है कि मैं इससे पहले 8 प्लस पे खेलता रहा हूँ जायरो वगैरह उसका, तो इस वजह से मुझसे जो है ना इस पर कंट्रोल ना हो रहा हो या सेंसिटिविटी का कोई इशू आ रहा हो, लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है कि यार जायरो जो है ना मतलब बेकार है, और ये कुछ हाथ भी सेट नहीं है, टू फिंगर की सेटिंग थी शायद इस पर, तो जो है ना मज़ा नहीं आ रहा था कुछ, सेटिंग फोर फिंगर ही है, लेकिन यार वो बस आईफोन जो प्लेयर है ना आईफोन यूज़र वो एंड्रॉयड पे मेरे नहीं खेल सकता पबजी, मरेगा ही वो, अगर एंड्रॉयड वाला आईफोन पे शिफ्ट होता है तो मैं तो बोलता हूँ फिर वो जो है ना भोकाल मचा देगा, तबाही फेर देगा, हाई लेवल की जो है ना वो गेम हो जाएगी उसकी। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, कैमरे का सारा कुछ मेरी तरफ से तो रिकमेंड करूँगा मैं गेम के हवाले से नहीं, वैसे अगर 25,000 में 500 में मतलब ये मोबाइल आप यूज़ करना इसके मुकाबले में कोई देखे तो नहीं, सबसे बेहतर यही है, तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही यार, अल्लाह हाफिज़।